कि भाई साहब आप अपने किसी एक करीबी मित्र का नाम सोचिए, अपने करीबी मित्र का नाम सोचिए जी, अपने माइंड में मन में सोचिएगा, मन में सोचिए, सोच लिए चलिए उसको हम लिखें, लिखिए, ठीक है, ओके। अखिया में क्या देख रहे हैं, अखिया में लिखा है क्या? उनकी मन की बात हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय उनके माइंड में क्या चल रहा है। चलिए ये रहा जो आप ये अपने मित्र का नाम सोचे हैं, ये हम इस पर्ची में लिख चुके हैं, हाँ, ठीक है, हाँ, अब आप इस पर्ची को या तो उस कैप के अंदर रखिए, हाँ, या अपने पास रखिए, ठीक है, कैप के अंदर है, लिख दिए हैं, सकते हैं कैप के अंदर गिरा, लिख दिए हैं। चलिए अब ऐसा ना हो कि जब पर्चा खुले तो ये जो सोचे थे वो तो हम लिख दिए हैं, ठीक है, कहीं नाम बाद में बदल न लें, हाँ, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ना ये नाम हम नहीं सोचे, वही हम बोलने वाले थे, उसी पे आने वाले थे, इसलिए आप इनसे जानकारी कर सकते हैं कि ये कौन सा नाम सोचे हैं, ताकि पर्चा खुले तो सेम पता लगे कि वो जो सोचे थे वही हम लिखे हैं, उनकी और हमारी सोच मिलती है या अलग है। चलिए तो बताइए आपके मित्र का जो नाम था, ऑन कैमरा बताइए थोड़ा तेजी में, प्रमोद। चलिए ठीक है, आ जाइए किसी दूसरे व्यक्ति को बुलाइए, चलिए किसी भी लड़के को बुला लें, आप आइए आप थोड़े नाम लिखा हुआ है, नाम इसका लिखा, हाँ ठीक है, अच्छा आइए, चलिए ठीक है, क्या नाम है बाबू आपका, क्या नाम है, रौनक नाम है। चलिए आपसे हम ये कहेंगे कि आप किसी शहर का मार्केट का नाम अपने मन में सोचिए और उसको हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन में एक शहर एक जगह का नाम सोच लीजिए, ठीक है, बताना नहीं है, लिखे सोच लिए, ठीक है, खाली शहर का नाम, हाँ सोच लिए लड़के, नहीं टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, बहुत सारे लोग भी बात कर देंगे, चलिए लाइव पर्चा बन रहा है, इनका ये पर्चा बन गया, क्या चल रहा है, ये पर्चा हुआ इस डब्बे के अंदर कैद, चलिए दो पर्चे इस डब्बे के अंदर अभी तक कैद हो चुका, नाम बताए हैं, रौनक नाम बताया ना, हाँ रौनक नाम, चलिए अब आप इनसे पूछ सकते हैं कि ये किस शहर का नाम सोचे थे, कौन से शहर का नाम सोचे थे, दिल्ली, चलिए दिल्ली सोचे थे, चलिए अब हम आते हैं आपके पास, हाँ ठीक है, क्या अगर हम, आप ही का नाम है, आकाश यादव, हाँ आकाश यादव, चलिए ठीक है, आप किसी फूल का नाम सोचिए, किसी भी एक फूल का नाम सोचिए और उसको हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं, चलिए सोच लिए, लिखें, हाँ उसको कम से कम दो या तीन बार दोहराइए मन में, हाँ दोहरा ली, ठीक है दोहरा लिए, रिपीट कीजिए एक बार और, हो गया, हाँ चलिए ये रहा आपका पर्चा, हमारा पर्चा, आप क्या सोचे थे, फूल का नाम बताएं, हाँ अब आप ऑन द कैमरा बता सकते हैं कि आप क्या सोचे थे, इसलिए कि हम पहले लिख चुके हैं, चमेली का फूल हम सोचे थे, चमेली का फूल, चलिए चलिए अब मिलते हैं आपके कैमरामैन, अब आपके क्या लगते हैं भाई, मित्र हैं, चलिए क्या नाम होगा इनका, राम भरोस, चलिए अब मिलते हैं हम इनसे, अब इनसे हम ये जानना चाहेंगे क्या आपको आपकी जन्मतिथि याद है, आपको आपकी नहीं याद है, बोल रहे हैं कि नहीं याद है, याद है देखिए ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो आपको नहीं याद है, पहले वह तारीख, उसके बाद से वह महीना, उसके बाद से सन, आप अपने मन में दोहराइए, तारीख महीना और सन दोहराइए अपने मन में, ओके, जैसे भाई साहब सोचे थे चमेली, यही ना सोचे, हाँ। थे
आप रिपीट कर रहे थे, अब हम उसमें लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं, पर्चा खुलने के बाद से पता चल जाएगा, खुल जाएगा, पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, लिखे अपने मन में, अब अपनी जन्म तिथि तारीख और दिन जो भी है, महीना तारीख दिन जो है दोहराइए एक बार। और अभी जो हमारे कैमरा मैन है वो दोहरा रहे हैं अपनी जन्म तिथि तारीख और दिन, सब दोहरा रहे हैं। हाँ दोहरा रहे हैं वो, महीना वर्ष ओके, ये रहा इनका पर्चा, इनका पर्चा। अब आप चाहे तो ऑन द कैमरा इनसे पूछ सकते हैं, हाँ, या आपकी जैसी मर्जी, इसलिए कि पर्चे में चारों आदमी क्या माइंड में चल रहा था वो हम लिख चुके हैं। चलिए चलिए, अब उस पर्चे को मिक्स कीजिए और बारी बारी से एक एक पर्चा खोल करके दिखा दीजिए। ये चारों पर्चे जो हैं इसमें, इसको मिक्स कर रहे हैं हम, हाँ। थोड़ा इधर, थोड़ा कैमरा पास में लाइए कैमरा, चारों जो है हम लोग इसको मिक्स कर दिए, हाँ। अब बारी बारी खोले, हाँ खोले, इसको पकड़िए जरा माइक को आप, ओके। इसमें लिखा है पहला पर्चा हम लोग खोल रहे हैं, आकाश यादव चमेली का फूल, आप ही का पर्चा है, हाँ यही सोचे थे। देख लीजिए कैमरा में, दिखाइए एक मिनट, आ रहा है कैमरे में, हाँ बिल्कुल। चलिए रख लीजिए अपने पास। दूसरा पर्चा हम लोग खोल रहे हैं, राम भरोस 5/3/1996 में आपका जन्मदिन है, कैमरे पे। ये देखिए कैसे ये इनका जन्म तिथि जो है लिखा गया यहाँ पे, यही डेट ऑफ बर्थ है ना आपका, यही है। चलिए ओके, चलिए अगला जो है कृष्ण मोहन, कृष्ण मोहन प्रमोद नाम सोचे थे, हाय अरे युवा सोचे, कैमरा में एक बार दिखा दीजिए लोगों को। चलिए देख लीजिए, हो गया, इसको ऐसे कीजिए, अब प्रमोद लिखा हुआ है अच्छे से दिखा दीजिए, आ रहा है। चलिए लास्ट में अभी रौनक बाबू का हम लोग खोलने वाले हैं, क्या सोचे थे, दिल्ली सोचे थे, हाँ। देखिए दिल्ली यहाँ पे लिखा हुआ ऑन कैमरा पूरा आ रहा है, ओके। ये अब आप कैसे कर लिए ना, इन्होंने अपना दिल्ली बताया, ना हमने अपना फूल का नाम बताया, ना इन्होंने डेट ऑफ बर्थ बताया, ना उन्होंने अपने मित्र का नाम बताया, कैसे कर लिया आप ये? ये एक आर्ट है, कला है, हाँ। अब हम कैसे कर लिए ये तो नहीं बताएंगे, हाँ। इसके लिए कोई दैविक शक्ति, कोई दैविक शक्ति नहीं, कोई चमत्कार आपके ऊपर कोई नहीं, किसी बाबा की कृपा आपके ऊपर, किसी महाराज की कृपा, ऐसा हम नहीं मानते। क्यों नहीं है तो नहीं मानते, मतलब ये कला, ये हमारी पढ़ाई है, हमारी कला है, हमारी आर्ट है, हाँ। तो अगर इसको जो पढ़ेगा वो माइंड रीडिंग करना जान जाएगा। अगर कोई ये सीखना चाहे तो कैसे सीखेगा? जो लोग पहले से माइंड रीडर हैं, माइंड रीडिंग कर रहे हैं, जैसे सुहानी शाह हुई या और भी तमाम लोग हैं, तो उनसे मिले, या जगह जगह इसका क्लास भी चलता है, क्लास करें तो माइंड रीडिंग सीखने के बाद, हाँ, आपके मन में क्या चल रहा है हम सब जान जाएंगे, हाँ हाँ सब जान जाएंगे, या तो ऑनलाइन क्लास करें, हाँ, या ऑफलाइन क्लास करें, जान जाएंगे। तो चलिए वीडियो का सिलसिला लंबा ना हो इसलिए वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, और देखिए किस प्रकार से इन्होंने माइंड रीडिंग के द्वारा मन में जो बातें चल रही थी, जो फूल का नाम, जो शहर का नाम, जो मित्र का नाम, डेट ऑफ बर्थ, किस प्रकार से कितनी आसानी से बिल्कुल बारीकी से इन्होंने बता दिया। और बाकी क्या ही कहा जाए इनके बारे में, ऐसी ऐसी कलाएँ हैं इनके पास कि अगर पूरा दिन देखेंगे तो कम पड़ जाएगा। इनका नंबर हम स्क्रीन पर लगा देंगे, किसी मेरे भाई को अगर इनसे संपर्क करना हो, प्रोग्राम कराना हो, या फिर किसी प्रकार के भी ये सब कलाएँ जो सीखनी हो, तो एक बार संपर्क करें, मिले।